हेलो एवरीवन हम जानते हैं कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है इस टॉर्क की वजह से जो बार मैग्नेट है वो अपनी मीन पोजीशन के राउंड एंगुलर एस करता है इस वीडियो में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम और इसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है टू एल किसी भी बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और इसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये एक वैक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जिस मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है अब हम इस बार मैग्नेट के ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करते हैं जब हम इस बार मैग्नेट के ऊपर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से इस मैग्नेट के दोनों मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैग्नेट के इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर लगने वाले इन मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये टॉर्क इस बार मैग्नेट को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है जब बार मैग्नेट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो बार मैग्नेट की इस कंडीशन को स्टेबल इक्वलीब्रूम कहा जाता है अब मान लेते हैं कि हम इस बार मैग्नेट को इसकी स्टेबल इक्वलीब्रूम पोजिशन से एक स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करते हैं जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को इसकी स्टेबल इक्वलिब्रूम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी वजह से इस बार मैग्नेट पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इस बार मैग्नेट को वापस से इसकी स्टेबल इक्वलिब्रूम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा बार मैग्नेट पे लगने वाला ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा टो तो इक्वल्स टू एम बी थीटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उस पर लगने वाले टॉर्क उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है टो इक्वल्स टू आई इन टू एल्फा तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर टो तो की जगह आई एल्फा पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है आई एल्फा इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि इस बार मैग्नेट को हमने एक स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया है यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी और अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो इस इक्वेशन के अंदर इस साइन थीटा को हम ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल लिख सकते हैं यानी कि इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है I एल्फा इक्वल्स टू एम बी थीटा तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस बार मैग्नेट के एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा को लिखा जा सकता है एल्फा इक्वल्स टू एम बी थीटा अपॉन आई जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बीच का रिलेशन होता है एल्फ़ा इक्वल्स टू ओमेगा इसवायर थीटा तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर एल्फ़ा की जगह ओमेगा इसवायर थीटा पुट कर दें तो इसवेशन को लिखा जा सकता है ओमेगा इस्वायर थीटा इक्वल्स टू एम बी थीटा अपॉन आई यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड में ये थीटा कैंसिल हो जाएगा और सिंपलीफाई करके इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ओमेगा इस्वायर इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई तो यहाँ पे जब ये बार मैग्नेट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड एंगुलर एस करेगा तो इसके टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है t इक्वल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा अब यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है t इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू बी जहाँ पर एम का मतलब है इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और I का मतलब है जिस एक्सिस के अराउंड बार मैग्नेट एंगुलर एस करेगा उस एक्सिस के अराउंड बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ एनर्जिया और इस B का मतलब है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने बार मैग्नेट को रखा हुआ है तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस बार मैग्नेट पर एक टॉर्क लगता है इस टॉर्क की वजह से जो बार मैग्नेट है वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड या अपनी स्टेबल इक्वलिब्रूम पोजीशन के अराउंड एंगुलर एसएचएम करता है बार मैग्नेट के इस एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इन टू बी तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी बार मैग्नेट का किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगुलर एस एच एम होगा उसका टाइम पीरियड ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय